विनु मोराडिया है हमारे साथ। तो लग तो रहा था कि कम से कम आपके सामने तो आम आदमी पार्टी के इटालिया जीत जाएंगे, उनका वो कॉन्फिडेंस था। हमारे सामने जो भी प्रत्याशी आते हैं उनका कॉन्फिडेंस वही रहता है, लेकिन जब मतदान होता है तब वो उसका जो गुब्बारा होता है फूट जाता है। मतदान के दिन आज जो पूरे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जन आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, वो 27 साल का गुजरात का बीजेपी का सुशासन देश को और ऊंचाइयों पे और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का और पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाने का काम जो नरेंद्र भाई मोदी साहब ने किया है, हमारे नड्डा जी और अमित भाई शाह का जो हमें मार्गदर्शन और नेतृत्व मिला है गुजरात को, और यहाँ भूपेंद्र भाई की एकदम सात्विक और पवित्र आदमी है, उनका जो उनके नेतृत्व में हम सरकार की ओर से काम कर रहे हैं, और संगठन जो हमारा पाटिल साहब के नेतृत्व में जो सशक्त बना है और जो काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के शुभेच्छक और भारतीय जनता पार्टी को तरफेण में मत देने वाली कतारगाम और गुजरात की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जो 27 साल की सेवा यहाँ की है और उसका सुशासन का उसने जो स्वाद चखा है। एक बात है कि जो बीजेपी का ओपोनेंट है जैसे शिवसेना है, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी की वजह से आपको इतनी बड़ी जीत मिली है, आप 150 के ऊपर जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो वोट था वो कायम है, वो शायद मैं समझता हूँ कि वोट शेड बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी का काम के आधार पर वोट मांगती है, और जो लोग काम जिसने किसी कभी काम किया ही नहीं वो वचन देती है, तो यहाँ की जनता राष्ट्रप्रेमी है, उसने तो जाना है, एहसास किया है देश और गुजरात को कैसे आगे बढ़ाए। 25 साल पहले की जो यहाँ की स्थिति थी गुजरात की, वो सबने देखा है तो कि यहाँ राउत कह रहे हैं कि डील ये है कि दिल्ली आपको और गुजरात बीजेपी को। उनका जुबान का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, वो सब देश के लोग सब जानते हैं वो कभी क्या बोलते हैं, वो उनके आधार पर और उनकी आधार पर निर्भर रहता है। हम जो कह रहे हैं वो गुजरात की और कतारगाम की जनता की ओर से हम कह रहे हैं। ये जीत नरेंद्र मोदी जी की है या स्थानीय नेता की है? ये जीत गुजरात की जनता की है, और नरेंद्र भाई मोदी जी का मार्गदर्शन और उनकी जो तपस्या है देश में की है और गुजरात में की है, उनको मिलाकर और बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक की ये जीत होगी, और ख़ास करके मैं कतारगाम और गुजरात की जनता का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई ने जो काम किया है, भूपेंद्र भाई ने जो काम किया है, यहाँ का जो संगठन ने काम किया है, उनके आधार पर कतारगाम और गुजरात की जनता ने आशीर्वाद दिया है। आप जीत रहे, तो मेरे आखिरी सवाल है कि बीजेपी यहाँ पे क्यों जीत रही है? सिर्फ डेवलपमेंट वाले बात हैं या कार्यकर्ता हैं जो हर घर पहुँच चुके हैं? तीनों मुद्दा आपने जो बोला है वो तीनों मुद्दा उसमें शामिल है। विकास का तो सुशासन दिए, विकास का तो काम किया ही है, उनके साथ साथ देश भर में नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा देश का गौरव बढ़ाया वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हमारे हैं, इसीलिए वो भी सब देखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो जो पार्टी का शुभेच्छक है वो भी घर घर जाके पहुँचे हैं, वहाँ यहाँ के पेज समिति तक यहाँ कार्यकर्ताओं ने काम किया है, और कतारगाम की जनता और गुजरात की जनता जो राष्ट्र का हित पहले पसंद करती है, इसीलिए यह रिकॉर्ड बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी देख रहे हैं आपको? उसको तो देखना ही था, मेरे मत क्षेत्र में आए थे, उसने बोला था कि बिनु भाई को रहने दीजिए, एक मौका हमें दे, लेकिन कतारगाम की जनता ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया, उनको मेहमान बनाया था, वो मेहमान बनकर वापस गए हैं और कतारगाम के पुत्रों को आशीर्वाद दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम्हाला असं आहे की जर तुम्हाला भारतीय जनता पार्टीचा हा रेकॉर्ड ब्रेक विजय समजून घ्यायचा असेल तर त्यातल्या प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टी तुम्हाला समजून घ्याव्याच लागतील। ज्यांनी गोपाल इटाली यांचा पराभव केला ते उमेदवार आता आपल्यासमोर होते। कॅमेरामन काकासाहेब कांबळे, समीर राहुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, सूरत। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।